गाइस, मैं हूं अमित और भाई आज आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक और बहुत ही मजेदार किट जो कि है यहां पर। दोस्तों ये है द अल्टीमेट साइंस किट जो कि आइंस्टाइन बॉक्स के नाम से भी जानी जाती है। और दोस्तों सच्ची बताऊं तो मैंने अमेजोन पे सर्च किया कि कोई साइंस की किट मिलती है क्या, और सबसे ऊपर ये आया तो मैंने यही मंगवा लिया। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि इस साइंस किट के अंदर क्या चीज है, और कहीं ना कहीं यार गाइस बच्चों के लिए जो है काफी मजेदार सी चीज हो सकती है। Amazon से मैंने मंगवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और आपको साफ साफ बता देता हूँ कि भाई ये जो वीडियो है किसी भी तरीके से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इनको तो पता भी नहीं होगा कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं। मैंने तो वैसे ही मंगवा लिया Amazon से, ठीक है। लेकिन गाइज अब साइंस वाली चीज़ है तो यार हम लोगों को भी इंटरेस्ट आता है, और इसके ऊपर कई बच्चे बच्चे भी बने हैं। तो जब ये किट मेरे पास पहुंची तो उसके बाद में थोड़ा और एक्साइटेड हो गया कि यार इसके अंदर कुछ ना कुछ मज़ेदार तो मिल सकता है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं, देखेंगे इस किट में क्या क्या चीज़ है और वो जो चीज़ें हैं कैसे काम करती हैं, साइंस से कैसे रिलेट करती हैं, वो तो खोल के पता चलेगा। अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता और ज़्यादा कुछ मैं पढ़ना भी नहीं चाह रहा, अभी आपके साथ ही करना चाह रहा हूँ। फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन ज़रूर से दबा दीजिए ताकि हम ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़ आपके लिए रोजाना लाते रहें। दोस्तों ये जो साइंस किट है ये एक इस तरीके के रैपर के अंदर बंद है, और सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं नहीं तो आपको सब कुछ चमकता हुआ दिखेगा, और इसके बाद देखते हैं इस पे क्या लिखा हुआ है। भाई ये तो सभी को दिख रहा है अल्टीमेट साइंस किट फॉर लिटिल साइंटिस्ट। अब आप लोग लिटिल साइंटिस्ट है कि नहीं नीचे कमेंट्स में बताइए। और ये जो किट है ये लिटिल साइंटिस्ट के लिए, अभी तो अंदर खोल के पता लगेगा कि क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लोजिव साइंस, यानी कि कहीं ना कहीं जो धमाके होते हैं जो पटाखे होते हैं उनके साइंस के बारे में जानकारी मिलेगी। कलर साइंस, सोप साइंस एंड पॉलीमर साइंस, ठीक है। 40 एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट्स इसके अंदर मिलेंगे, एक ही किट के अंदर है, इतने सारे कहाँ से मिलेंगे भाई। और यहाँ पर और भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें भाई, बहुत सारी यार चीज़ें लिखी हैं, आप लोग जो है इसको पढ़ सकते हो क्या क्या इस पर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है सेफ़ एंड नॉन टॉक्सिक मटेरियल्स, यानी कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो जहरीले नहीं है, टच वच करने में कंपैरेटिवली सेफ़ है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है डेवलप साइंटिफिक इंक्वायरी, वॉशेबल फॉर ईजी क्लीनिंग, ठीक है। तो अब बिना देरी किए इस सब ताम झाम में ना पढ़ते हो, किट को खोलते हैं, क्योंकि आप लोग भी सोच रहे हैं भाई क्या पढ़ रहा है यार, खोल ले किट को। तो ये लो, और सबसे पहले तो एक किताब मिलती है, क्योंकि भाई साइंस की चीज़ है तो इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए मेरे हिसाब से। देखो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये साइंस किट का, और इसके अंदर वैसे हम इस चीज़ को जनरली पढ़ते नहीं है, पर यार इसकी क्वालिटी काफ़ी सही सी है। अरे यार इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स उनको समझा रखा है, जिस तरीके के एक्सपेरिमेंट हमारे किताबों में होते हैं कुछ वैसा ही है इसके अंदर, तो आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, इसको साइड में रखते हैं। इसके बाद आता है थैंक यू फॉर चूजिंग अस, क्या बात है यार गाइस, कुछ अच्छा फील दे रहा है, एक हार्ट बना रखा है। इसके बाद है गाइस ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट का मटेरियल है, इस पन्नी में एक मटेरियल एक्सपेरिमेंट का है जिस पे लिखा है कलर एंड क्रिस्टल साइंस, ठीक है। इसके अंदर एक और है, इस पे लिखा है गाइस एक्सप्लोजिव साइंस, इसके अंदर थोड़ी भारी सी चीज़ है, एक गुब्बारा भी है, बेकिंग सोडा है, क्या बात है। और ये देखो ग्लो पाउडर है, क्या हो गया इसको, वो टी 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 करे जा रही है पता नहीं किस बात की खुशी है उसको। चलो इसके अंदर रुक जा, ठीक है बस वो तो गया। वैसे यार उसको अपने पास उसको रोकने का कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि हम भी तो बोल रहे हैं, वो भी हमने, वो हो सकता हमको बोल रही होगी चुप रहो ओए मत बोलो नालायक हो। चलो इससे अगला है ग्लिसरीन फ्लेक्स लिखा हुआ है, इधर ये है सॉप साइंस। और गाइस एक है इसके अंदर, इस बैग के अंदर इक्विपमेंट्स, यानी कि इसके अंदर हथियार हैं, हथियार बोले तो इक्विपमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, औजार है, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो इक्विपमेंट्स है इसके अंदर, यानी कि हाँ जैसे टेस्ट ट्यूब होती है उसको पकड़ने का भी करवी कर, इनको इक्विपमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो डब्बा है खाली, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, इसको हटाते हैं। और यार गाइस इसमें यार इतनी सारी चीज़ें थी, इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट्स को ही खोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो भाई बिल्कुल इसके अंदर वही है जो हमने सोचा था। और देखो ये देखो इसके अंदर बीकर है छोटा सा, इसके अंदर एक फनल है, कीप है, एक चम्मच भी है छोटी सी, रसोई में नमक मिर्च डालने के काम आएगी बाद में, ठीक है, अगर केमिकल की नहीं हुई तो। 2 चम्मच है, एक हमारे पास में टेस्ट ट्यूब रखने के लिए है, और गाइस 2 टेस्ट ट्यूब भी हैं, टेस्ट ट्यूब है या क्या है, ये ढक्कन वाली टेस्ट ट्यूब है गाइस, ये इसमें आ जाएगी, हाँ ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। और एक हमारे पास में, एक नहीं है गाइस 3 हमारे पास में, दोने हैं सब्जी दाल
पनीर वगैरह डालने के लिए ऐसे होते हैं ना गाइज, ये जो है ना कुछ एक्सपेरिमेंट की चीज़ें डालने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास में इसमें इनको हटाता हूँ, ये क्या है भाई, ये एक पन्नी है कि पाउच है, व्हाट इज़ दिस गाइज, ये एक शीट है, वाइट फिल्म है, आई डोंट नो ये कहाँ यूज़ आएगी, देख लेंगे इसको भी। और एक डब्बी भी है और एक इस तरीके का पाइप भी है। यार कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हो गई इक्विपमेंट के नाम पे, क्या क्या करेंगे यार। दोस्तों इस किट के अंदर टोटल 15 एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके इंडेक्स पेज पर लिखा हुआ है। और गाइज यार ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतने सारे होंगे। इंटरेस्टिंग मेरे को ज़रूर लग रहे हैं, लेकिन जो भी बेस्ट वाले होंगे वो हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। और स्टार्टिंग कर रहे हैं फर्स्ट वाले के साथ ही, फर्स्ट वाले को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ लिए हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ हमको जो बाहर से लेना है वो लेना है पानी, सिर्फ पानी लेना है और कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो पानी मैंने ले लिया, इसके बाद इनकी एक कटोरी लेनी है, इसमें 25 ml पानी लेना है बेसिकली, ठीक है। और अब जो इनका ये किट है फर्स्ट वाला, ये खोलते हैं। ये जो है भाई एक्सप्लोजिव वाला किट है, एक्सप्लोजिव साइंस आप इस पर पढ़ सकते हो। अब क्या धमाका होगा या नहीं होगा आई डोंट नो। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो निकालते हैं। पहले इसके अंदर दो बलून्स हैं, दो गुब्बारे हैं, इसके अंदर विनेगर है, देखो फूड ग्रेड का विनेगर है, यानी कि सिरका है, हिंदी में इसको सिरका भी बोलते हैं। इसके अंदर कॉर्न स्टार्च भी है, थोड़ा सा ही है वैसे, लेकिन यार ठीक है, कितनी सारी चीज़ें। इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, और सिट्रिक एसिड जो है वो यहाँ पर क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। और इसके अंदर बेकिंग सोडा भी है, ठीक है देखो। और काफ़ी अच्छे पाउचेस में दिए हुए हैं इन्होंने। और हमको जो है सिंपली क्या करना है, इसके अंदर चार एक्सपेरिमेंट है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो हमको 25 ml डालना है, उसके बाद में इसके अंदर दो ड्रॉप्स डालनी है ब्लू और येलो कलर की। ब्लू येलो कहाँ है, दूसरे किट में है क्या अरे यार उसमें क्यों है फिर ये गाइज। इस दूसरे किट में जो कि था कलर एंड क्रिस्टल साइंस, इसके अंदर से ब्लू और येलो निकालना पड़ेगा। एक दो, एक दो, ब्लू और येलो जा चुके इसमें। और गाइज अरे यार ब्लू और येलो मिलाते ये जो ग्रीन हो गया, देखो एकदम ग्रीन हो गया। तो भाई अब इसको इसमें डालना है और देखते हैं क्या होता है। और गाइस ओ तेरी क्या बात है, ये देखो गाइस ये जो है किस तरीके से इसमें से फिज कर रहा है, और यहां पर क्या मजेदार कलर भी निकल रहा है, क्या बात है। अब मुझे नहीं पता क्या रिएक्शन हुई है, इन्होंने जैसा जैसा कहा मैंने वैसे वैसे मिला दिया और इसमें से काफी फिज निकल रहा है फिलहाल, जैसा कोल्ड ड्रिंक्स में से निकलता है वैसा फिज निकल रहा है इसमें। और ये लोग कह रहे हैं कि ये रिएक्शन शांत होने के बाद में दोबारा से इसमें पानी डाल दो, दोबारा से फिज निकलेगा। तो मैं एक बार फिर से भी पानी तैयार कर लेता हूँ इसके लिए। अब भाई जब एक बार फिर से डाल रहा हूँ पानी, और ये लोग बोले थे कि फिर से फिज होगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अरे हो गया गाइज पानी डालने के बाद दोबारा से इसमें फिज हुआ है, थोड़ा सा कम है उससे लेकिन हुआ ज़रूर है। चलो अगले बढ़ते हैं हम। दोस्तों यहाँ सब कुछ हमने तैयार कर लिया है, अब सिर्फ इस सिट्रिक एसिड को इसमें मिलाना है। और ये इसमें जा नहीं रहा है, धीरे धीरे जाएगा। अरे यार अरे 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 गाइस नीचे से कुछ आना शुरू हो गया है, हैं अरे यार इसको तो मैं ऐसे ही डाल देता तो बढ़िया रहता। ओहो गाइस ये देखो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसमें यहाँ पर कुछ रिएक्शन हो रहा है, और नीचे से कुछ निकल के ऊपर आ रहा है, क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई। मुझे सिट्रिक एसिड दो, मैं उसको अच्छे से डाल नहीं पाया, स्कूप वाला। तो भाई अब जो है मैं इसको एक साथ डाल रहा हूँ, ठीक है ये गया इसमें। उतरी ओह शिट 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 शिट, अब यार ऐसे नहीं करना था, ज़्यादा डाल दिया तो भाई साहब खैर जो भी आप लोग देख सकते हो कि ये जो है किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है, ये देखो वो नीचे आता है एक ड्रॉप, वो फिर से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, एक कांस्टेंट चेन बनी हुई है ऊपर नीचे की, देखो।
दोस्तों ये है क्रिस्टल पाउडर और इसकी आधी चम्मच हमको डालनी है इस पानी के अंदर जिसमें हमने जो है रेड कलर मिलाया है और इसको जो है बढ़िया से मिक्स कर लेना है। उत्तरी ये क्या हुआ गाइस, क्रिस्टल पाउडर मिलाते ही अरे तो गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। ओहो उत्तरी इतना जल्दी गाइस, देखो ये जो है अभी पानी था और जैसे ही मैंने इसमें आधा चम्मच ये मिलाया ये तो यार जम गया पूरा ही। ये देखो कैसा सॉलिड हो गया एकदम और ये पिलपिला सा भी हो गया थोड़ा। चलो जो भी है दोस्तों, इस बार मैं येलो कलर के पानी के अंदर जो है क्रिस्टल पाउडर डाल रहा हूँ और देखते हैं कि इस बार क्या होता है। मैंने इसको मिक्स कर दिया और यार पिछले बार तो कमाल का हुआ था, ये जो पूरा का पूरा है ना वो सॉलिडिफाई हो गया था ये रेड कलर वाला, लेकिन येलो वाला जो है अभी तो ठीक है, ऐसा कुछ जमा तो नहीं है। तो हमको इसको जो है 5-10 मिनट के लिए छोड़ना है। इसमें तो ऐसा लिखा, ओ ये गाढ़ा होने लग गया गाइस, इतना जल्दी देखो देखो ये कितना गाढ़ा हो चुका है। ओ तेरी ओए गाइस, अब ये हलवे जैसा हो गया, देखो भाई बड़ा फास्ट हो रहा है यार। जो भी हो रहा है, हमने सिर्फ आधा चम्मच इसके अंदर ये पाउडर डाला है, इसमें भी आधा चम्मच डाला था, देखो ये पानी था, सारा पानी कहाँ गया, इनके अंदर घुस गया क्या। और ये देखो, अरे वाह भाई साहब, ये भी जो है क्या बात है, देखो कैसा हो गया गाइस। ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है यार, ये जो है काफ़ी स्लाइमी सा हो गया। ओहो अजीब सा तो लग रहा है लेकिन अच्छा भी लग रहा है हाथ में लेकर के। दोस्तों इसके अंदर है गरम पानी 25 ml, ये हमने गैस पर गरम किया है तो इसको डाल रहा हूँ मैं एक बार फिर से इसके अंदर। और दोस्तों ये जो है लास्ट एक्सपेरिमेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस यार इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, हम यहाँ पर 5 ही एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं ठीक है। तो ये लास्ट होने वाला है, ये है जेल पाउडर और ये जो है गाइस मुझे भी नहीं पता कि कैसे क्या रिएक्ट करेगा और हमको इसका आधा स्कूप इसके ऊपर डालना है। तो गाइस जेल पाउडर का आधा स्कूप जो है वो मैं इसमें डाल देता हूँ और ये कह रहे हैं कि इसको जो है इवनली डालो ताकि ये पूरे के अंदर जो है आ जाए ठीक है। ऑल राइट, और अब हमको इसके अंदर एक फूड कलर मिक्स करना है। मैं इसके अंदर जो है रेड कलर डाल रहा हूँ, इसके अंदर 2-3 बूंदे डालेंगे, 1-2-3 बहुत है, और इसको करेंगे मिक्स। और गाइस देखो 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 ये काफ़ी गर्म है और ये जो है पूरा रेड हो चुका है। इसमें लिखा है जब तक ये जो टुकड़े टुकड़े हैं जो लम्ब्स हैं ये ना ख़त्म हो जाएं तब तक हमको इसको मिलाते रहना है। और भाई मुझे लग रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना ये सबसे मज़ेदार हो सकता है इन सभी में। मैजिक सॉल्यूशन तैयार है, ये पेस्ट तैयार है। अब ये बोल रहा है कि चम्मच में ये पेस्ट भरो ठीक है और इसको इस मैजिक सॉल्यूशन में डाल दो और चम्मच को धीरे धीरे हिलाओ ताकि ये बाहर निकल जाए ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया है और गाइस ये बोल रहा है कि अब ये जो है तैयार हो जाएगा एक मार्बल। और भाई 1 मिनट के बाद में इनको मैं निकालता हूँ बाहर और आप लोग देख सकते हो कि 2 यहाँ पर जेली के मार्बल जैसा ये बोल रहे हैं वो तैयार हो गए हैं। और गाइस वास्तव में यार ये जो है जेली ही बन चुका है, देखो ये देखो, ऐसा नहीं है कि ये टूट रहा है या कुछ हो रहा है ये, और इसके बाहर एक कोई लेयर सी बन गई है जैसा इन्होंने लिखा है और सारा मटेरियल उसके अंदर ही रह रहा है। अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, अरे यार गाइस 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 सही बोल रहे हैं बिल्कुल, देखो मैंने जैसे तोड़ा अब ये वापस से वैसा नहीं बन रहा, देखो अब ये जो है वैसा नहीं बन रहा, लेकिन जब तक ये एक पीस है तब तक ये सिंगल पीस रहेगा, ये देखो ये सिंगल पीस रहेगा देखो, लेकिन जैसे ही इसको हम तोड़ेंगे अब ये वापस से देखो एक नहीं होगा, इसको कुछ भी कर लो ये वैसा एक नहीं होगा, ये देखो ये हिस्सा अलग है ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर हमने इस साइंस किट के साथ में इतने एक्सपेरिमेंट किए, मैंने सोचा था कि मुश्किल से कोई आधे घंटे में हम इसको दिखा देंगे, लेकिन गाइस हमको एक्सपेरिमेंट करते 2 घंटे हो चुके हैं इसके साथ में। तो यार सही चीज़ थी ऐसे तो ये, तो अगर आपको मंगवानी है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, पूरा का पूरा साइंस के ऊपर बेस्ड है और काफ़ी मज़ेदार भी है। और एक बात फिर से बता देता हूँ, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने अपने मन से ये चीज़ मंगवाई थी और मुझे वास्तव में ये जो चीज़ है ये ठीक लगी है ठीक है। तो इसके लिए एक थम्स अप ज़रूर से बनता है और आप लोग वीडियो के लिए लाइक ज़रूर से कर दो। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।